अभी शाम का समय है और मैं बालकनी में बैठी थी। ये अभी बाहर जाने वाले हैं, बहुत दिन बाद निकलेंगे घर से बाहर। बाबू को लेकर बोले मैं मंदिर जाऊंगा, तो उधर से कुछ हरी सब्जी लेकर आ जाऊंगा। तो काम तो वो करके चली गई हैं, तो घर वर पूरी तरह से साफ़ है। तो मैं थोड़ा देर बालकनी में बैठ गई, तो लगातार दो तीन प्लेन इधर से गुजरा, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। बिल्कुल पास से गुजरता है, एयरपोर्ट आस पास ही है, तो इधर से प्लेन वगैरह गुजरते रहता है। और ये लगभग शाम ही, सोचिए आप, 5:30 हो रहा है। तो मैं भी मैंने अभी सोफ़ा वगैरह ठीक नहीं किया है, मैं सोच रही थी ये निकल जाएंगे जब, तब फिर मैं सोफ़ा ठीक करके रखूँगी। तो जब काम करने वाली आती है तो क्या होता है कि आपको भी उनके साथ लगना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे, मैं बार बार ग्रिल की तरफ देखती हूँ कि कहीं वो आ तो नहीं गए, बालकनी से मैं देख रही हूँ कि अगर मैं उनको सड़क पे देखूँगी तो मैं नीचे जाऊँगी और उनके हाथ में जो भी सब्ज़ी वगैरह होगा लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि अभी भारी वगैरह क्यों उठाएंगे जब मैं ला सकती हूँ। और वहाँ पर आपने देखा मैं ट्रंक सेट करने की सोच रही हूँ, अभी तक मैंने नहीं किया है ट्रंक सेट। और ये किचन है जो कि पूरी तरह से साफ़ है, तो मैंने सोचा चाय बना दूँ। इन्होंने कहा नहीं, नाश्ता इन्होंने कुछ किया, स्नैक्स वगैरह, तो ये बोले मैं आता हूँ बाहर से मंदिर से फिर चाय बनाना। तो ये जो हॉल में दीवान देखा है, इस पर बाबू का सारा खिलौना था, और मैं वो ट्रंक रखने की सोच रही हूँ कैसे रखना है। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग अब चले गए हैं बाहर, तो सोचे जब तक ये लोग आएंगे तब तक मैं सोफ़ा ठीक कर लेती हूँ। मैं करती क्या हूँ, जब वो काम करने लगते हैं तो उसी दौरान मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर लेती हूँ। अगर उस समय मैं किसी और दूसरे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों में फंसी रहती हूँ, क्योंकि काम तो एक नहीं होता है, कई काम होते हैं, तो फिर मैं इसी तरह इसी स्थिति में छोड़ देती हूँ। क्योंकि ये भी बैठे रहते हैं तो हम मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि आप हटिए, मैं ठीक कर देती हूँ। अब ये जाने ही वाले थे, मैंने सोचा चलो मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ, जब ये आएँगे तो फिर ये साफ़ सुथरा देखेंगे। और ज़रा सा साफ़ सुथरा कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, मतलब इनका मन खुश हो जाता है। ये बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा किया है, तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। देखिए कोई आपको कहे या ना कहे, लेकिन अगर आप खाना बनाते हैं और लगे हाथ आपको कोई कह दे अच्छी अच्छा बनाई हो या स्वादिष्ट खाना बनाया, तो आपका मन कितना खुश हो जाता है। इसी तरह घर वर ठीक ठाक करके रखे, कोई बोल दे तो लगता है चलो जो मैंने किया वो सक्सेस हो गया। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा वगैरह ठीक कर दिया है, बार बार बालकनी जाती हूँ देखने के लिए कि अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं, तब चाय बनाऊँगी। और ये देखिए सामने में काम चल रहा है, बिल्डिंग बन के बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। शुरू से अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा किस तरह यहाँ पर खाली पड़ा था और बहुत तेज़ी से बन रहा है। और ये लोग देखिए किस तरह से जान को जोखिम में डालकर दो पैसे के लिए किस तरह जान को दाव पर लगाते हैं, और फिर करेगा भी कौन। इन लोगों के हाथ में ये कला होती है, लेकिन इस तरह से कई मज़दूरों की जान भी चली गई है। मैं तो सामने से देखती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। ये चौथा फ्लोर है और सिर्फ बम्बू के सहारे बैठकर ये लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो मैं बालकनी में बैठ के यही देख रही थी, मैंने सोचा चलिए शूट कर देती हूँ, फिर कभी 5-10 साल बाद देखूँगी तो पता चलेगा किस तरह से था। और मुझे लग रहा है स्टेयर पे आप फूट की आवाज़ आई, तो मुझे लगा शायद यही आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर देख रही थी, मैं शूट कर रही थी तो नीचे ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन ये नहीं थे, जो ग्रॉसरी के जिस दुकान में मैं लेती हूँ उसी के सामने में सब्ज़ियाँ भी मिलती है। मैं जाऊँगी इस बार सामान लेने या किसी दिन, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये उन्हीं का बेटा है, उनको 5 बेटा है, वो उन्होंने सबको अपने दुकान में इंगेज रख लिया है। तो ये वही सब्जी पहुंचाया है, ये आलू और जो भी हरी सब्जियां होगी। अभी मैं अब इसको खोल के तुरंत निकाल के देख लेती हूँ, मैं तुरंत सब्जी वगैरह निकाल लेती हूँ। और ये मेरा बेटा ये बता रहे थे, मैं चल रहा था तो हल्का हल्का पेट दर्द हो रहा था। ये सब ट्रिक मैं बहुत फॉलो करती हूँ, तुरंत सब्जी लाए तुरंत मैंने खोल दिया, इसको धो दूंगी तो इनका मन खुश हो जाता है, चलो इतना केयर करती है। और ये गुड़ जो कि ख़राब हो गया था, मैं लौटाने वाली थी तो इसको मैंने लौटा दिया है, ये लौटा कर मंगाया, अब देखती हूँ कैसा है। और ये
चाय हम लोगों का हो गया है, नाश्ता तो करके ये निकले थे। तो अभी भिंडी का भुंजिया और रोटी बनाऊंगी। तो मैंने आटा मिलाकर रख दिया है, आटा जब तक अच्छे से फूल जाएगा रोटी बनाने के आधे घंटे 20 मिनट पहले मैं आटा भिंगो कर डाल देती हूँ या आटा मिला के रख देती हूँ। सब्जी धो लिया है, जिसमें चाय बनाया उसको भी धो लिया है। और ये क्या होता है, अभी से फिर सुबह तक के लिए रखिए, उनका इंतज़ार करिए, सही नहीं लगता है। चाय कई बार बनाती हूँ और ये कढ़ाई मम्मी पूछ रही थी कि क्या वो साफ़ करती है, तो जिस दिन मैं ध्यान देती हूँ उस दिन करती है, नहीं तो छोड़ देती है। तो यहाँ भिंडी मेरा धोया हुआ है, तो अब मैं भिंडी ले लूँगी। और बाबू को भी नाश्ता करा ही दिया था, हम लोगों ने चाय पी, तो बाबू अब बॉर्नविटा पिएगा। और ये सारी चीज़ों को मैंने धो दिया। मैं ज़्यादा जमा रात में जूठा वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह से फिर बर्तन जमा हो जाता है। यहाँ पर मैं छुरी खोज रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। हसुआ जो मम्मी खरीदी थी उसमें उतना तेज़ धार नहीं है, तो मैं इसी से अभी फ़िलहाल सब्ज़ी वगैरह कट कर रही हूँ। शायद आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया है हसुआ, तो दिखाऊँगी। छोटा छोटा बहुत सामान मम्मी ने ख़रीदा है। तो अब मैं जाऊँगी गेस्ट रूम, बाबू को बॉर्नविटा दे दूँगी और भिंडी काट लूँगी। और फिर भिंडी का भुंजिया जब बन जाएगा तो गरम गरम रोटी बना के इनको खाना दे दूँगी। सवेरे ही दे देती हूँ, 7:30 8 बजते बजते खाना खा लेते हैं। और ये देखेंगे टेबल पे मेरे बेटे का पूरा कार्टून रखा हुआ रहता है, खेल लेता है। और यही है कि इतना सा मैं बोल के रखती हूँ कि आप पूरा बिखेर कर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ को कार्टून में रख दीजिए, थोड़ा घर भी अच्छा लगता है। अब ये अपना कुछ काम कर रहे हैं और मैंने अपना सीरियल खोल दिया है, 7 बजे अपना सीरियल देखती हूँ। और मुझे लगता है 7:30 तक रेडी हो जाएगा मेरा खाना, 7:30 7:45 तक। तो बाबू को बॉर्नविटा दे दूँगी। और ये बाबू का क्ले है, सामने में टीवी चल रहा है और ये अपना काम कर रहे हैं। तो चैनल पे आप लोग जो भी नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। मैंने प्लेट या कटोरी लेना मैं भूल गई थी, तो टेबल पर ही काट कर रख दिया था। और ये भिंडी, और जबकि मेरा ये सब काम नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसको मुझे इसको पूछना होगा। फिर भी कभी कभी हो जाता है, आदमी कितना करेगा, करते करते थक भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का चाय, नाश्ता, बाबू का बॉर्नविटा सब कुछ हो गया है। अब सीधा किचन, किचन में बनाऊंगी खाना और खाना बनाने के बाद खाना पीना खाऊंगी। और उसके बाद जैसे 7:30 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ, फिर आधे घंटे में दूध पी लेती हूँ, क्योंकि आधे खाना खाने के आधे घंटे घंटे बाद ही आपको दूध पीना है, तुरंत नहीं पीना है। और किचन तो पूरी तरह से साफ़ रहता है, जब किचन वगैरह साफ़ रहता है फिर आपका सर दर्द नहीं होता है, आराम से आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। तो अभी सिलाई वगैरह पर भी मैंने स्टॉप कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। कुछ डिजाइनर ब्लाउज मैंने बनाया है, क्योंकि अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग, परेशानी में थे, लोग आ जा रहे थे, अब मम्मी लोग भी चली गई है, घर पूरा खाली हो गया है। तब धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल कम तेल में, और ज़्यादा मैंने उसको जलाया नहीं है, क्योंकि इसी तरह से अभी कहा गया है। तो इस तरह से मैंने भिंडी का भुंजिया बनाया और रोटी, और बाबू को जो रोटी देती हूँ उसमें घी लगा देती हूँ, घी वही होता है जो मैं घर में निकालती हूँ। और शीशे का छोटा छोटा बोतल मैंने रखा है, एक बोतल में जितना निकलता है 100 ग्राम 150 ग्राम, वो जितना दिन चलता है तब तक मेरे दूसरे बोतल में आ जाता है, तो वही बोतल वाला बाबू को घी लगा कर देती हूँ। और इनको बिना घी का रोटी देती हूँ, क्योंकि इनको तो अभी घी तेल कुछ भी देना मना है। मैं भी अभी घी वाला ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं फैट बहुत अधिक हो गया है और ये लास्ट होने चला है घी। तब तक तो दूसरे बोतल में मेरे पास एक और बोतल निकला हुआ है, लेकिन तब तक और भी तैयार हो जाएगा छाले, यानी जिसको आप लोग मलाई कहते हैं, तो उसको भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर खाना भी रेडी है, इनको दे देती हूँ। उसके बाद ये जब तक, आज तो मैं अभी रायता नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि दही इनको बहुत पसंद है, दे दूँगी आगे में। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं रायता बना दूँगी। और ये देखेंगे पूरी तरह से किचन क्लीन है, ग्लास वगैरह सब कुछ आपने देखा था किस तरह भरा था, लेकिन मैं जमा नहीं होने देती हूँ कि वो आएँगी तब धोएंगी। जो रोटी बचा है रोटी पॉट में रखूँगी। और इस तरह से पूरा किचन का काम मेरा अभी कम्प्लीट है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू।